अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फीड में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर दोस्तों आपको मैं सुनाने वाला हूँ वो कतर चैरिटी की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, आप लोगों सभी को पता होगा कतर चैरिटी कतर की बहुत ही बड़ी संस्था है। तो कतर चैरिटी की तरफ से पाकिस्तान में लगभग वहाँ पे 50 बच्चों के लिए ऑर्फेंज खोला गया। ऑर्फेंज का मतलब दोस्तों होता है कि बच्चों के जो अनाथ जो बच्चे होते हैं उनको रहने के लिए साथ ही वहाँ पे घर टाइप का बनाया गया है। तो ये पाकिस्तान में दोस्तों खोला गया। फिलहाल अभी स्टार्टिंग में लगभग 50 बच्चों को वहाँ पे उस ऑर्फेंज में वहाँ पे रखा गया है और देखभाल का पूरा खर्चा, खाने पीने का पूरा खर्चा, जिसके कोई नहीं होते हैं दोस्तों, उसी को ऑर्फेंज कहा जाता है जहाँ पर लोगों को बच्चों को रखा जाता है। तो कतर चैरिटी की तरफ से दोस्तों ओपन किया गया। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है कतर के आमिर की तरफ से आ रही है। तो भाइयों, आप लोगों को तो पता होगा कतर में कतर एक्सॉन मोबाइल चल रहा है 2023 में। इस बार 25 फरवरी तक दोस्तों उसे खेला गया। तो साथियों, ये खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में दोस्तों खेला गया, जिसे अटेंड करने के लिए कतर के जो आमिर साहब हैं, अमीर तमीम बिन हमल थानी साहब, वो वहाँ पर पहुँचे थे। उसके साथ साथ बहुत सारे कतर के MPs वगैरह, बहुत सारे मिनिस्टर वगैरह वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर फुल तरीके से दोस्तों सेलिब्रेशन किया गया, वहाँ पर उसकी ओपनिंग की गई, बहुत सारी चीजों को दोस्तों वहां पे खेला गया। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही साथियों वो आ रही है ब्लड डोनर सेंटर को लेकर। तो साथियों, यदि आप लोग कतर में ब्लड को डोनेट करते थे, यदि कभी भी आपने ब्लड को डोनेशन किया था, तो आपको बता दूं दोस्तों ब्लड डोनेशन सेंटर को मूव कर दिया गया है, नया परमानेंट लोकेशन दिया गया वेस्ट एनर्जी सेंटर। तो दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो तो वेस्ट एनर्जी सेंटर जानते हो, जिसका नाम है वेस्ट एनर्जी सेंटर बिल्डिंग। तो वहाँ पे दोस्तों पहले फ्लोर पे इसे वहाँ पे रिप्लेसमेंट किया गया, यानी पहले जहाँ पे था उसे हटाकर वहाँ पे अब वहाँ पे दोस्तों मूव कर दिया गया। तो जो भी लोग आप लोग पहले ब्लड डोनेट करने के लिए जाते थे, पहले दोस्तों जाते थे यदि आप लोग, तो वहाँ पे आप मत जाइएगा, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अब पहला फ्लोर वेस्ट एनर्जी सेंटर बिल्डिंग, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगली जो खबर दोस्तों आ रही साथियों नारकोटिक डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कतर में यदि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि कतर में किसी तरह का आप लोग नारकोटिक सब्सटेंस यानी इलीगल चीज़ों को घुसा पाओगे कतर में, तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो भाइयों, कतर में साथियों कतर कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से भारी मात्रा में लगभग 453 नारकोटिक पिल्स को वहाँ पर जब्त किया गया दोस्तों, एक कैंडी में यानी चॉकलेट के अंदर वो छुपा के ला रहे थे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितने अलग अलग तरीका को लोग अपनाते हैं ताकि वहाँ पे नारकोटिक चीज़ों को वहाँ पे घुसाया जा सके। पर साथियों, यहाँ पे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है, क्योंकि स्कैनर मशीन में जब सारी चीज़ों को डाला जाता है तो साफ तौर पे पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ छुपा के लाया जा रहा है। दोस्तों, अगली जो खबर साथियों आ रही है दोहा फेस्टिवल सिटी से आ रही है। साथियों, अगली जो खबर दोहा फेस्टिवल सिटी से आ रही है, चौथा बार इस बार लगाया गया है और इस दोस्तों फेस्टिवल को स्पॉन्सर कर रहे हैं ईगो डॉक्टर सेसेंट, जो कि फिलीपींस के रहने वाले हैं, और टेक्यू बुली ऑफ पार्ट ऑफ कतर टूरिज्म जो शॉप कतर के हैं उनका। तो साथियों, ये 1 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा मॉल ऑफ ट्रेंडिंग आवर में एग्जीबिशन शोकेस होगा लगभग 14 आवर फेवरेट होम केयर ब्रांड। तो जो लोग भी आप लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पे देखना चाहते हैं, जा सकते हैं। 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला, 18 मार्च तक रहेगा दोहा फेस्टिवल सिटी में। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी। कोई भी मन में आपके सवाल हो, कोई जानकारी चाहते हो, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।